छत्तीसगढ़ की खबर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अपने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिले में बने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहित करने का फैसला किया। भूपेश बघेल के दामाद क्षितिज चंद्राकर के चाचा मंगल प्रसाद इस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक इसके लिए भूपेश बघेल एक बिल भी लेकर आ रहे हैं, जिसे छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने पास कर दिया है। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि एक निजी कॉलेज का अधिग्रहण करने के लिए देश में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बीजेपी के मुताबिक कॉलेज पर 300 करोड़ रुपए का कर्ज है और फिलहाल इसे नेशनल मेडिकल काउंसिल से मान्यता भी प्राप्त नहीं। साल 2018 में इस मेडिकल कॉलेज पर फ्रॉड करने और फर्जी मरीज दाखिल करने का भी आरोप लगा और इसी पर यह विवाद है। तो भूपेश बघेल सवालों के घेरे में, सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। सरकारी पैसे से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का यह बहुत ही गंभीर आरोप। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर यह एक बड़ा गंभीर आरोप लगा है और बीजेपी ने विधानसभा में इसके खिलाफ बाकायदा विरोध भी किया। राज्य के मेडिकल छात्रों को इसका लाभ मिलेगा, इस तरीके के तर्क दिए गए हैं, लेकिन सरकारी पैसे के दुरुपयोग का इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि आखिर इस कॉलेज का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है जिस पर कर्ज भी है। और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवालों के घेरे में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जब फरवरी में कॉलेज गए थे, तब उन्होंने खुद बताया था कि वो चंदूलाल चंद्राकर के कितने करीब थे। उनका यह भी कहना है कि आज वो राजनीतिक तौर पर जहां पहुंचे हैं, उसमें चंदूलाल चंद्राकर की बड़ी भूमिका है। चंदूलाल चंद्राकर हम सबके बहुत ही सम्माननीय और राजनीतिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान रहा है। और ये कॉलेज उनके ही नाम से शुरू की गई है, आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मैंने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीकरण किया जाएगा और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। चंदूलाल जी के तो हम लोग तो राजनीतिक रोपे हुए पौधे हैं, उन्हीं के द्वारा हम लोगों को चाहे युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात हो, विधायक के पहली बार टिकट दिलाने की बात हो, तो सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करते थे। वादेदाव चंदूलाल चंद्राकर है। निजी कॉलेज को कौन से टर्म्स कंडीशन में अधिग्रहित किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या है, वैल्यूएशन क्या है, कर्मचारियों का क्या होगा, बेगर जाने पूछे बेगर सरकारी संस्थाओं की कीमत पर वो प्राइवेट को तजरीह दे रही है, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है जिन मामलों में लोगों ने ट्विस्ट किया। देखिए, एक निजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज है, उस निजी मेडिकल कॉलेज को शासन अधिग्रहण कर रहा है और उसके लिए एक नया कानून सदन में लाया जा रहा है। ये शायद कभी देश के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है और वो कॉलेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा कर्ज है और उस कर्जे की भी चिंता नहीं करते हुए आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट नई मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 75% पैसा दे रही है, खाली 25% पैसा राज्य सरकार का लगता है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये संदेह के घेरे में है कि कहीं अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने के लिए तो ये नहीं किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि उस कॉलेज के ऊपर जो हमारी जानकारी में है कि लगभग 300 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसको कौन चुकाएगा, वो कैसे चुकेगा। साथ में वहाँ पे जो काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी हैं उनको भी इसमें नहीं लिया जा रहा है। तो एक निजी कॉलेज को लेने के लिए और सब प्रकार के नियम कायदे कानूनों को तोड़ना मरोड़ना तो उससे कई संदेहों को जन्म देता है कि कहीं ना कहीं इनका व्यक्तिगत हित तो उसमें नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य में तेजी से चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से इस कॉलेज के अधिग्रहण का फैसला किया गया। उन्होंने यह भी कहा है कि आमतौर पर मेडिकल कॉलेज तैयार करने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आता है और समय भी काफी लगता है। ऐसे में 150 सीट वाले चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को आधी लागत में ही अधिग्रहित करने से राज्य को फायदा मिलेगा। ये केवल मुख्यमंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने जैसी अगर कोई बात कही जा रही है तो एकदम दूर दूर तक असत्य है। समूचे छत्तीसगढ़ को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। नंबर एक, एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए
500 करोड़ का तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है और ऑलरेडी 150 सीट का तैयार मेडिकल कॉलेज जिसमें परमिशन है एमसीआई का 150 सीट का, उसके अधिग्रहण अगर उससे आधी कीमत पे किया जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ और छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो जिस अखबार का आपने कथन स्पष्ट किया, मैं समझता हूँ वो बातें बेबुनियाद है। और इसी खबर पर विस्तार से अब हमें जानकारी देंगे हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, सरकार का तर्क ये कि हमने जनता का पैसा बचा लिया, 500 करोड़ का खर्च आता मेडिकल कॉलेज खोलने में, हमने बहुत कम में ये कर दिया। दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचा रहे हैं, निजी फायदे के लिए पद का दुरुपयोग किया है मुख्यमंत्री ने। क्या जानकारी और मिल पा रही है अखिलेश? इसके पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा जो भी हो, लेकिन जो मंत्री सरकार के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। और वो क्या हैं? ये कह रहे हैं कि 150 सीटों की मान्यता प्राप्त है एमसीआई से। तो मैं आपको बता दूं कि 2017 के बाद से ही इस कॉलेज की मान्यता रद्द है। वहीं भूपेश बघेल पर सीधा आरोप पहली बार किसी मामले पर लगा है, और जिस तरह से हमने बाइट चलाई और ये सुनवाया कि किस तरह से उन्हीं के पौधे हुए ये राजनेता हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मुद्दा तो मिल ही गया है। और बीजेपी कह रही है कि अगर इनको इसी तरह से कॉलेजों का उद्धार करना है, छत्तीसगढ़ के बच्चों का हित करना है। और एक बात और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों की बात कर रहे हैं रविंद्र चौबे, वो बच्चे कोर्ट गए हैं और कह रहे हैं कि हमको कहीं दूसरे कॉलेज में आप तब तक दाखिला दिला दीजिए, हमारा साल बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे तर्क तो जो दे रहे हैं मंत्री की तरफ से, ये भी सवालों के घेरे में है। लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि इसके ऊपर, कॉलेज के ऊपर कर्ज है, कर्ज के अलावा जो है 2018 में फ्रॉड का उल्लेख किया है एमसीआई ने अपनी रिपोर्ट में, तो ऐसे में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज हैं और ऐसे कई इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकलीफ में हैं, तो उनको क्यों सरकार अधिग्रहित नहीं कर रही है? दूसरा, आज ये सदन में बिल पेश हो सकता है, और जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अभी विधानसभा के लिए ही निकला हूं, इस बिल का पुरजोर तरीके से बीजेपी विरोध करने वाली है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय प्रवक्ता तमाम लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस पूरे मामले पे घेर रहे हैं। अखिलेश, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।